रोहडू तहसील के टिक्कर पंचायत के काशनी गांव में आग में प्रभावित हुए परिवारों की मदद के लिए हमीरपुर कॉलेज के एबीवीपी संगठन के छात्रों ने चंदा इकट्ठा करने और दानदाताओं के सहयोग से इकट्ठा राशि को उन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। हमीरपुर एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा आर्थिक मदद के लिए हमीरपुर बाजार में दुकानदारों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि आग से प्रभावित हुए परिवारों की मदद की जा सके। छात्रों द्वारा शहर की हर दुकान में दस्तक देकर उनसे आर्थिक सहयोग देने की अपील की जा रही है। एबीवीपी जिला छात्रा प्रमुख अंकिता ठाकुर ने बताया कि काशनी गांव में हुए अग्निकांड में प्रभावित लोगों की मदद के लिए हमीरपुर बाजार में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और चंदे से एकत्रित राशि को उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रभावित परिवारों को भेजा जाएगा ताकि वो लोग अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सकें। आपको बता दें कि काशनी गांव में आग की चपेट में आने से 40 लकड़ी के मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए थे। इस गांव के लोगों के लिए मदद के लिए हर कोई आगे आ रहा है, जिसके चलते हमीरपुर छात्र संगठन भी अब मदद के लिए आगे आ गया है। ये अभियान इसलिए चला है, जो बीते बुधवार को जो अग्निकांड हुआ है क्षेणी गांव रोहडू में, उसके लिए हम मार्केट कलेक्शन कर रहे हैं। तो जितना भी अग्नि पीड़ितों के लिए जितने भी ये लोग जितना भी कलेक्शन देंगे हमारे हमें वो हम डीसी के थ्रू उधर भेजवाएंगे सारा। हम जब पूरे एबीपी हमीरपुर जितने भी हमीरपुर एबीपी में जितने भी कॉलेजेस आते हैं वहाँ की यूनिट्स जब पूरा अपनी कलेक्शन हमारे पास दे देंगे तब हम इकट्ठे होकर वो कलेक्शन क्या है क्षेणी गांव में जो रोड में अग्निकांड हुआ उसके लिए हम कर रहे हैं मार्केट कलेक्शन कर रहे हैं ताकि उनको राहत मिल सके।